उड़ने वाला गाय। रुद्रपुर नाम के एक गांव में एक ऋषि थे। ऋषि के आश्रम में बहुत सारे पशु पक्षी भी थे, लेकिन स्वामी जी को सबसे ज्यादा एक गाय लक्ष्मी से बहुत लगाव थी। लक्ष्मी को स्वामी जी स्वयं दाना डालते थे, घास भी खिलाते थे और बहुत प्यार से देखते थे। स्वामी जी को सेवा करने के लिए एक आदमी भी था जिसका नाम पांडू था। पांडू स्वामी जी का और सारी पशु पक्षियों का भी देखभाल करता था। एक दिन स्वामी जी पांडू से ऐसा बोले, पांडू अब मुझे कैलाश पर्वत जाकर तपस्या करने का वक्त आ गया है। अब तुम्ही को इस आश्रम का देखभाल करना है और लक्ष्मी के बारे में एक बात कहना भूल गया, क्योंकि लक्ष्मी अभी बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसको मैंने एक वरदान दिया है, उसके पीठ पर 3 बार हाथ फेरने से उसके पंख निकल आते हैं और वह उड़ सकती है। इस तरह उसको खाना ढूंढने में आसानी होगी। जैसे ही स्वामी जी उसके पीठ पर 3 बार हाथ फेरे, लक्ष्मी का पंख निकल आए और उसे देखकर पांडू दंग रह जाता है। ठीक है स्वामी जी, आप बेफिक्र रहिए, आपकी कमी इन प्राणियों को महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा बोलते ही स्वामी जी निकल गए। कुछ दिन तक पांडू सभी पशु पक्षियों को अच्छी तरह देखने लगा, लेकिन उसकी मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आता है। पांडू उड़ती हुई गाय को एक सर्कस कंपनी में बेचकर पैसे कमाना चाहता था। उसके दोस्त बिरजू को बुलाया और ऐसा बोला, अरे बिरजू, मुझे एक सर्कस कंपनी वाले से बात करनी है, कोई मालूम है तुम्हें? पांडू, गांव में अभी एक सर्कस चल रहा है, चलो चलते हैं वहां पर। पांडू और बिरजू वहां जाकर सर्कस मैनेजर से उड़ती हुई गाय के बारे में बोलते हैं। तभी मैनेजर तुरंत उस गाय को लाने के लिए बोलते हैं। तभी पांडू ठीक लक्ष्मी जैसे दिखने वाला गाय को लेकर आश्रम में रखा और लक्ष्मी को लेकर सर्कस मैनेजर के पास लेके आ गया। सर देखिए, उड़ता हुआ गाय। अच्छा, एक बार इसे उड़ने के लिए बोलो। तभी पांडू लक्ष्मी के पीठ पर 3 बार हाथ फेरता है और तुरंत लक्ष्मी के पंख निकल आते हैं। तभी मैनेजर ने पांडू को 1,00,000 रुपए भी दिए। ये सारी बात स्वामी जी अपने दिव्य दृष्टि से तपस्या करते हुए देखने लगे और पांडू का नीच बुद्धि पता चल गया। इसीलिए स्वामी जी एक मंत्र पढ़ते हैं। इधर पांडू मैनेजर से ऐसा बोलता है, मैनेजर साहब, एक बार मुझे लक्ष्मी के ऊपर बैठकर उड़ना है, आप भी मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर पांडू और मैनेजर लक्ष्मी के ऊपर चढ़ गए और लक्ष्मी को उड़ने के लिए बोले। तुरंत लक्ष्मी आसमान के ऊपर उड़ने लगा। कुछ देर के बाद जब पांडू उसे नीचे जाने के लिए बोला, लक्ष्मी नीचे नहीं आया। वह सारा दिन और रात ऐसा ही 3 दिन तक आसमान में ही उड़ता रहा। पांडू और मैनेजर घबराकर चिल्लाने लगे। तभी पांडू स्वामी जी को याद कर प्रार्थना की, हे स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालची होकर ऐसा किया, हमें नीचे उतारिए, हमें आसमान में 3 दिन हो गए हैं, हमें नीचे उतारिए। ऐसा बोलते ही गाय नीचे आ जाती है। पांडू मैनेजर को पैसे वापस कर दिया और फिर लक्ष्मी को लेकर आश्रम चला गया। उसके बाद पांडू लक्ष्मी की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक धोबी अपने घोड़े बादल के साथ रहा करता था। वह घोड़े के ऊपर गंदे कपड़े रखता, तालाब पर जाकर उन्हें धोता और अच्छे पैसे कमाता। इसी काम से उसका घर चला करता था। घोड़ा रामू का बहुत साथ देता था। काफी सालों के बाद घोड़ा बूढ़ा हो गया। वह अब ज्यादा कपड़े नहीं उठा पाता था। एक दिन घोड़ा चलते चलते भारी वजन के कारण एक गड्ढे में गिर गया। कमजोर होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ये घोड़ा तो वैसे भी अब बूढ़ा ही हो चला है, क्यों ना मैं इसे इसी गड्ढे में दबा दूं, यहीं दबकर मर जाएगा और मैं एक नया घोड़ा भी ले सकता हूँ, इसी बहाने इस बूढ़े घोड़े से छुटकारा मिल जाएगा। तभी रामू ने उस गड्ढे में गिरे घोड़े के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। यह देखकर घोड़ा घबरा गया और बोला, अरे मालिक, तुम मुझे इस गड्ढे में दबा कर क्यों मारना चाहते हो? इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है,
और तुम्हारे व्यापार में बहुत मदद की है। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम वाकई में बहुत लालची इंसान हो, बुरे इंसान हो तुम। सुनो बादल, तुम अब बूढ़े हो चले हो, मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मरना ही ठीक है, मैं तो तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। बेचारा घोड़ा यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। फिर उसने दिमाग में एक तरकीब लगाई। जो मिट्टी रामू उसके ऊपर डाल रहा था, घोड़ा वही मिट्टी घूमकर अपने ऊपर से नीचे गिरा रहा था। धीरे धीरे वो एकदम ऊपर आ गया था। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा था। कुछ देर बाद घोड़ा अपनी समझदारी से गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने मालिक के पास नहीं जाता। यह देखकर रामू बहुत हैरान हो जाता है। घोड़ा उस गांव से बाहर चला जाता है। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा परेशानियों का समझदारी से सामना करना चाहिए। समझदार मुर्गा। एक मुर्गा और एक कुत्ता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों जंगल की सैर करने निकले। चलते चलते अंधेरा हो गया। फिर दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे रात बिताई। ककड़ाका, कुत्ते भाई, अब मैं थक चुका हूँ, यहीं कहीं आराम करते हैं। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं आराम करते हैं। तुम भी यहीं आराम करो ना, मैं तो पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम पेड़ पर जाओ, मैं भी यहीं कहीं सो जाऊंगा। वो दोनों रात को आराम से सो गए। सुबह होते ही मुर्गे ने बांग दी। वहीं एक लोमड़ी मुर्गे की आवाज सुनकर उठ गई। धीरे धीरे लोमड़ी वहां आ गई। मुर्गे को देखकर लोमड़ी का मन ललचा गया। अरे वाह, क्या मस्त मोटा मुर्गा है, इसको खाके तो 2-3 दिन तक भूख भी नहीं लगेगी। सुबह सुबह कितना बढ़िया मुर्गा दिखा है। मुर्गा ऊंचा बैठा था। लोमड़ी पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी और मुर्गे से कहने लगी, अरे दोस्त, मैं सुबह तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुनकर उठ गई। मेरा मन कर रहा है कि तुमसे एक बार हाथ जरूर मिलाऊं। बड़े दिनों बाद आज की सुबह इतनी प्यारी लग रही है। अरे सच में, क्यों नहीं, मैं अभी नीचे आता हूँ। मुर्गा लोमड़ी की चाल समझ गया था। ये मुझे उल्लू बना रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, नीचे जो चौकीदार है इससे कहो हमारी सीढ़ी लगाए और हम नीचे उतर के तुमसे हाथ मिला लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे ही लोमड़ी ने कुत्ते को जगाया, कुत्ता लोमड़ी पर चिपट गया और लोमड़ी को मार डाला। बढ़िया दोस्त, तुम मेरा इशारा समझ गए थे, इसीलिए तुमने इस पर वार किया, नहीं तो आज ये मेरा नाश्ता करने का प्रोग्राम बना कर आई थी। अरे मेरे दोस्त मुर्गे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ, चलो आगे का रास्ता तय करते हैं। इसीलिए कहते हैं, दूसरों का बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। एक जंगल में वहाँ का राजा शेर से सभी जानवर डरते थे। राजा को जब भी भूख लगती थी, कोई ना कोई जानवर को शिकार करके खा लेता था। एक दिन जब शेर को बहुत प्यास लगा तो वो नदी के किनारे आकर पानी पी रही थी, लेकिन अचानक शेर का पैर एक गड्ढे में गीली मट्टी की वजह से दब जाती है और शेर वहां फंस जाती है। जितना कोशिश करने के बाद भी शेर का पांव नहीं निकलता है। तभी शेर नदी के आसपास जो जानवर थे उनको बुलाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा पांव यहाँ पर दब गया है, बाहर नहीं आ रहा है, दया करके मुझे बचा लो। सभी जानवर शेर को सहायता करने के लिए डरते थे। कोई भी जानवर नजदीक नहीं आती थी। सारे जानवर डरते थे कि अगर शेर के नजदीक जाएंगे तो कहीं शेर उसको खा ना जाए। ऐसा ही 2 दिन तक शेर वहीं पर रह जाती है
और कोई भी उसे मदद करने नहीं आता है। तभी एक भालू उसको देखता है और शेर को बचाने वहां आता है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें निकालता हूं। ऐसा बोलकर भालू खूब कोशिश करके किसी तरह शेर की पांव को बाहर निकालता है। तभी शेर खुश होकर भालू से ऐसा बोलता है, भालू भाई तुम्हारा धन्यवाद है, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। अगर चाहो तो तुम मेरे साथ ही रह सकते हो, मेरा शिकार में आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोलते ही भालू मान जाता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जंगल में सब इनकी दोस्ती देखकर जलते थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे। शेर के बीवी को भी भालू और शेर का दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शिकार का आधा हिस्सा तो भालू ही खा जाता है। ये बात जब शेर और शेरनी बात कर रहे होते हैं तो भालू को सुनाई देता है। अगले दिन भालू शेर के पास जाकर ऐसा बोलता है, अरे शेर भाई, अब हमको अलविदा करने का वक्त आ गया है। लगता है तुम्हारी बीवी को मैं यहाँ रहना अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे मेरे बीवी पागल है, उसको क्या पता कैसे तुमने मेरे जान बचाई है, तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। नहीं शेर भाई, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा वजह से आप दोनों झगड़ने लगेंगे और ये बात अच्छी नहीं है। हम दूर होकर भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं, बात दूरी की नहीं, बात तो दिल की है। मैं जहां भी रहूंगा तुमको याद करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण आपके परिवार में झगड़े हो, इसी में हमारी भलाई है भाई। ऐसा बोलते ही शेर भालू का बात मान जाता है और भारी मन से भालू को अलविदा कहती है। लेकिन भालू और शेर हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छी दोस्त रहते हैं। सीख, हमें दोस्ती का कद्र हमेशा करनी चाहिए।